इस पहेली का नाम टैंग्राम है, सात टुकड़े कितने मुखड़े। ये एक चौकोर के ऊपर आधारित है। एक चौकोर को हम सात टुकड़ों में काटते हैं और फिर इन सातों टुकड़ों से हम हजारों तरह के जानवर और पक्षी और इंसान बना सकते हैं। एक फ्रेम के अंदर आपको ये सात टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। पहले तो इन सातों टुकड़ों को आप फ्रेम में से निकालिए और फिर इसी रबर के फ्रेम में आप इन सातों टुकड़ों को दोबारा बैठाइए। ये देखने में सरल लगता है पर दरअसल एक काफ़ी कठिन एक पहेली है। अब उसके बाद में इन सातों टुकड़ों को हर बार इस्तेमाल करके, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एरिया है, क्षेत्रफल का संरक्षण है, आप हजारों जानवर जीव पक्षी बना सकते हैं। अब ये देखिए, एक स्क्वायर लगाया और स्क्वायर के ऊपर अगर आप दो छोटे छोटे त्रिकोण लगा देंगे तो बिल्कुल बिल्ली का आपको मुंह दिखाई देगा। उसके बाद में आप बिल्ली का शरीर बनाइए। ये देखिए, बिल्ली अब धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रही है, इमर्ज हो रही है और अंत में आखिरी टुकड़ा लगा करके ये जैसे एक बैठी हुई बिल्ली का आपको चित्र बन जाएगा। इसी तरह से आप इन सातों टुकड़ों को उपयोग करके अन्य बहुत सारे ऐसे चित्र बना सकते हैं जिनको आप पहचान पाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, किसी एक व्यक्ति का एक सिर जैसे है और ये व्यक्ति का शरीर अब बन रहा है। ये उसके दोनों पैर हैं और ये अंत में इसके जूते बना दिए। तो इन सात टुकड़ों से आप एक इंसान भी बना सकते हैं। अब यहाँ सात टुकड़ों को जोड़ करके एक व्हेल मछली बनाई गई है। आप इसका खुला हुआ मुंह, इसकी पूंछ आसमान में देख सकते हैं। सात टुकड़ों को मिला करके आप एक बत्तख भी बना सकते हैं। इसकी अपार संभावना है। ये बहुत ही सस्ती पहेली है, आप खुद घर में इसको बना सकते हैं और सातों टुकड़ों से आप घंटों हफ्तों महीनों खेल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन सातों टुकड़ों से मिला करके एक पाल वाली नाव बनी है। कितनी मज़ेदार पहेली है, इसका नाम है टैंग्राम।